हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 8 और मैं अपने छोटे बेटे को स्कूल से छोड़ के आ रही हूँ। और सामने जो घड़ी आपको दिख रही है, आप उसकी शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाना, वो एकदम झूठ बोल रही है। एक्चुअली मैंने इसका सेल चेंज किया था अभी 2 दिन पहले, लेकिन ये फिर से रुक गई है। और अभी मुझे पता नहीं कि सेल में ख़राबी थी या घड़ी में ख़राबी है। मुझे लग रहा है सेल ही ख़राब हुआ, क्योंकि ये घड़ी हमने अभी 3-4 महीने ही पहले नई ऑनलाइन मंगाई थी। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे घर की हालत कैसी हो रखी है। पूरा घर मेरा बिखरा पड़ा है। और जो सबसे ख़राब हालत होती है इस वक्त, वो होती है किचन की। तो चलिए, अभी कोई नहीं, अब हमारा यही काम है। बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो फिर एक हाउसवाइफ का काम ही यही होता है उनके जाने के बाद घर को सजाना और संवारना। तो ये रूम मेरे बच्चों का है। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे दिन भर रहते हैं, टीवी देखते हैं, खेलते हैं। तो बड़ा बेटा मेरा इसी रूम में सोता है, तो ये रूम मेरा ज़्यादा गंदा रहता है। और ये ब्लैंकेट वो अपना आप सुबह फोल्ड कर जाता है, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, ज़्यादा नहीं। तो अब मैंने पहले बेडशीट को झाड़ दिया है, और अब मैंने इस ब्लैंकेट को इधर रख दूँगी, तो मैं दूसरे वाले बेड की भी बेडशीट झाड़ दूँगी। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी 60 मिनट का मॉर्निंग क्लीनिंग चैलेंज लूँ, और देखते हैं कि मैं इसे पूरा कर पाती हूँ या नहीं। तो फिर चलिए, मैं अपना मॉर्निंग का जो भी है क्लीनिंग का रूटीन शुरू करती हूँ। ज़्यादा देर नहीं करते। और चाय मैंने सुबह ही पी ली थी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा पहले चला जाता है, तो मुझे थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, तो उस टाइम मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने छोटे बेटे को उठाती हूँ। और सुबह मैं काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा भजन भी लगा देती हूँ। इससे एक तो मन हमारा शांत रहता है, मन में पॉजिटिविटी आती है, और हमारा काम कब पूरा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो अब मैं लगा दूँगी भजन, और उसके बाद मैं अपना आज का जो मैंने चैलेंज लिया है उसको देर ना करते हुए जल्दी जल्दी पूरा करूँगी। और मेरे जितने भी धोने वाले कपड़े थे वो सब मैंने एक साथ इकट्ठे कर लिए। उनको मैं एक टब में इकट्ठा कर लेती हूँ, ताकि मुझे धोने में आसानी हो। और मैंने बाहर मशीन भी लगाई हुई है, तो एक तरफ मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे, और मेरा ये जो मॉर्निंग का क्लीनिंग का काम है ये भी मेरा पूरा होता रहेगा। तो इससे मेरा काम और भी ईजी हो जाएगा। तो मेरे आज के 60 मिनट के चैलेंज में सिर्फ मैं आप अपना मॉर्निंग का क्लीनिंग का जो भी रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो अभी मैंने ये जो मेरी सीमेंटेड अलमारियाँ हैं इनको मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैं डेली साफ़ करती हूँ इन्हें, फिर भी थोड़ा थोड़ा धूल तो आ ही जाती है। और फिर जब तक साफ़ ना करो ऐसे लगता ही नहीं कि हमने साफ़ सफ़ाई घर में की होगी। तो बस हल्का हल्का ही मैं कपड़ा मार देती हूँ। और फिर ये जो तेल की शीशी है, ये बच्चे खुला सुबह ऐसे छोड़ जाते हैं, कहीं पर ढक्कन रहता है, कहीं पर शीशी रहती है, तो उसको भी मैंने अरेंज कर दिया है। और फिर अब मैं इस वाले रूम में झाड़ू मारना शुरू कर दूँगी। हमारा बेडरूम है, तो यहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं रहती, क्योंकि बच्चे मोस्टली उसी रूम में रहते हैं, वहाँ पे टीवी है और दिन भर वहीं खेलते हैं, तो ये रूम मेरा साफ़ ही रहता है। लेकिन फिर भी झाड़ू तो हमें मारना ही है डेली का। और फिर इस रूम में झाड़ू मारने के बाद मैंने दूसरे रूम में भी झाड़ू मार दिया था। एक्चुअली वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ नहीं, वो कैमरा बंद था और मुझे पता भी नहीं चला। तो अब मैंने रूम में झाड़ू मारने के बाद यहाँ मैं बरामदे में आ गई हूँ, और यहाँ भी मैंने झाड़ू मार दिया। किचन में भी मैंने झाड़ू मार दिया था। और आजकल बाल इतने झड़ रहे हैं कि बस फर्श पे नीचे बाल ही नज़र आते हैं झाड़ू मारते हुए, तो मुझे इनको एक एक करके हाथ से उठाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये इधर उधर फैल जाते हैं। और फिर यहाँ झाड़ू मारने के बाद मैं आ गई हूँ आंगन में। तो आंगन तो हमारा खुला ही है, तो हमारा जो बाथरूम और वॉशरूम है वो आंगन में ही है। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू मार लूँगी, और फिर बाद में यहाँ पे भी मैं अच्छे से पानी से धो देती हूँ। तो झाड़ू मारने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का काम मैं हमेशा झाड़ू मारने के बाद ही शुरू करती हूँ, क्योंकि किचन फिर गीला हो जाता है तो किचन में ठीक से झाड़ू नहीं लग पाती है। तो अब मैंने जो किचन में मेरा जो सारा सामान फैला हुआ था उनको उनकी जगह पे सेट कर दिया है। सॉस की बोतल, जैम की बोतल, और ये बॉर्नविटा का डब्बा। और फिर उसके बाद में जितने भी मेरे गंदे बर्तन हैं उन सबको मैं सिंक में डाल देती हूँ।
और फिर थोड़ा सा उनमें गर्म पानी डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल विंटर्स का टाइम है तो बर्तनों में घी जम जाता है और फिर बर्तन ठीक से साफ़ नहीं होते, तो इसलिए उनमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो तो बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और ईज़िली भी साफ़ हो जाते हैं। तो आज मैंने बच्चों के लिए नूडल्स बनाए थे, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मम्मी आप क्या रोज़ रोज़ हमको वो सब्जी रोटी बना के दे देते हो, कुछ अलग सा भी दिया करो। तो इसलिए मैंने जो नूडल्स का पैकेट था वो भी खुला था तो उस पर रबड़ लगा दिए, और ये जो रात के धुले हुए बर्तन थे उनको भी मैंने टोकरी से निकाल के उनकी जगह पे सेट कर दिया, नहीं तो फिर उसमें और बर्तन आते जाते हैं तो टोकरी भर जाती है और फिर वो बर्तन भी गीले हो जाते हैं। और गैस का चूल्हा मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर उसमें खाना बनता है तो एक टाइम मैं ज़रूर अपने गैस के चूल्हे को साफ़ करती हूँ, सारा उसको निकाल के अच्छे से धो लेती हूँ, जिससे मेरा फिर मॉर्निंग के लिए आसान हो जाता है काम। और बर्तन भी मेरे अब धुल चुके हैं, तो जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनको मैं साइड में रख देती हूँ स्लैब में, और फिर जब उनका पानी निकल जाता है तो उनको उनकी जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। और डस्टर भी मैं अच्छे से धो के फिर इसको धूप में सुखा देती हूँ, और आरओपी भी मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार ही देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है कि पता नहीं चलता कि हम कैसे हाथ उस पर लगा रहे हैं। तो और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया, ये भी फैल ही जाता है, और एक यही टाइम होता है जहाँ पर हम अपने किचन को अच्छे से साफ़ करते हैं, अरेंज करते हैं। और अब बर्तन धोने के बाद बारी है पोछा लगाने की, तो सबसे पहले मैं घर के आगे धो लेती हूँ पानी से, अच्छे से वाइपर मार के पोछे से सुखा के तब मैं अंदर आती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे गीला रहता है तो कोई ना कोई आ जाता है तो उससे फिर दोबारा से गंदा हो जाता है। तो आज मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ, वैसे तो मैं नॉर्मली हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि वाइपर से ये रहेगा कि एक तो जल्दी भी हो जाएगा काम और मेरा जो 60 मिनट का चैलेंज है वो भी पूरा हो जाएगा। उस रूम में पोछा लग चुका है तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में पोछा लगाने के लिए, तो यहाँ भी मैं अब जल्दी जल्दी वाइपर से पोछा मार दूँगी, और मेरा ध्यान बार बार घड़ी पे भी जा रहा है। दोनों कमरों में पोछा लगाने के बाद फिर अब बारी थी किचन की, तो किचन में मैं हाथ से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ वाइपर से ठीक से सफाई नहीं हो पाती, कोने कोने में ठीक से पोछा नहीं लग पाता, तो अब मैंने किचन में भी अच्छे से पोछा मार लिया है।
फाइनली मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और लास्ट में मैं इस आंगन को भी धो दूँगी पानी से। और उसके बाद मैं ये जो किचन के डस्टर है इनको भी मैंने अच्छे से साबुन से धो लिया है और फिर उसके बाद जो पोछा है उसे भी अच्छे से धो के मैं तार में टांग देती हूँ। और ये दो पोछे हैं, एक पोछा मैं बाहर के लिए यूज़ करती हूँ और दूसरा पोछा मैं अंदर के लिए यूज़ करती हूँ। और कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, तो मतलब मैंने 8:30 बजे अपना जो क्लीनिंग का काम था वो शुरू किया था और अब बज चुके हैं 9:30। तो मेरा जो 60 मिनट का चैलेंज था वो पूरा तो हो गया, लेकिन मुझे उसके लिए सुपर फास्ट ट्रेन बनना पड़ा। मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैंने सारा काम किया और मैंने अपना चैलेंज भी आज का पूरा कर लिया। तो अब आप लास्ट में देख सकते हैं मेरा घर अभी कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन जब बच्चे आएंगे फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके, टाटा एंड गुड।